खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, नकली नोट के साथ सिविल लाइन पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, जिससे बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बता दें, रीवा SP नवनीत भसीन एवं एडिशनल SP अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी मोहित मिश्रा, पिता राजीव मिश्रा, उम्र 26 वर्ष, महामृत्युंजय नगर बोदा बाग को पकड़ा है। पुलिस ने पुराने बस स्टैंड में 500 की 74 नकली नोट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं रीवा SP नवनीत भसीन ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि यह नोट आरोपी ने कहां से लाई है और इनके साथ और कितने आरोपी हैं। एक व्यक्ति से जानकारी मिली थी हमको, गोपनीय रूप से उसने बताया कि एक व्यक्ति मोहित मिश्रा नाम के हैं, उनके पास नकली नोट की जानकारी उनको है। तो हम लोगों ने इसका होमवर्क करके टीम लगाई, सिविल लाइन पुलिस ने अपना एफर्ट्स किया और आरोपी को राउंड अप किया, तो उससे 37,000 हमको राशि के नोट मिले हैं। प्रत्येक नोट 500 का है ये, और 74 कुल नोट है। अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं और उनका विश्लेषण साइबर सेल की टीम कर रही है। साथ ही इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इसका सोर्स क्या है, इनको ये नोट कहां से मिले और नकली नोट का पूरा चेन कहां से कहां तक फैला हुआ है। इसके लिए हमने डेडिकेटेड अपनी टीम लगा दी है, इसको पूरा साइबर सेल के माध्यम से भी हेल्प की जा रही है। तो जो भी डेवलपमेंट कल तक हमारे पास होगा, हम उसको आप तक शेयर करेंगे। सर, अभी तक कितने लोग इस पे पकड़े गए और कितने लोग चेन किए गए? अभी तो एक ही व्यक्ति हमारे पास है, अगर उनके कोई सहयोगी इस चेन में आते हैं तो उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे, और अन्य कोई मात्रा मिलती है इस प्रकार के कंसाइनमेंट की तो उसको भी हम लोग जब्त करेंगे। तो विवेचना का विषय रहेगा, आगे उसको शामिल किया जाएगा। अभी तो प्राथमिक पूछताछ शुरू हुई है, तो उसमें तो उनके मोबाइल के माध्यम से उन्होंने कहीं पर ऑर्डर करना बताया है, जिसको कि पहले क्रॉस चेक कर लें हम लोग साइबर सेल के माध्यम से। एक बार क्रॉस चेक होने के बाद फिर अगले चरण पे हम लोग आएंगे। ऐसे ऐसे केस में ना वो चला।